ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, अब जो है वो बहरीन भाई की सॉरी बरनाई दारुस्तान की बातें कर रहे थे। बरनाई ने कहा एक बात मैं बता दूं, जो मेरे पास जो है प्लॉट नंबर तो मेरा जो है वो 172 है, और प्लॉट नंबर 172 होने की भी एक वजह है। वो वजह ये है कि इसने कहा कि भाई मेरा दिल नहीं लगता, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है आल में न पाएदार में। तो पूछने वाले ने पूछा भाई इतनी दुखी शायरी किए जा रहे हो, वजह क्या है? उसने कहा मुझे जो प्लॉट चाहिए वो चाहिए सिर्फ, वो मैंने किसी और के साथ जाना ही। तो पॉपुलेशन के लिहाज से अभी 175वें नंबर पे, 175 पे। नेबर इसने जो है वो लिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मलेशिया को। इसने कहा कि बस मलेशिया के साथ ही मैं चलूंगा, बाकी और मैं किसी के साथ नहीं चलूंगा। नोटेबल वॉर जो है वो इसने कोई नहीं लड़ी, कोई उसके साथ जो है वो नहीं है कि इसने कोई जंगे जो है वो लड़ी। एशिया के अंदर जो है वो लोकेटेड है, और इसके जो है वो दो तीन सिटीज है, एक क्योला विलेज है और दूसरा जो वो ट्री टोंग है, ये इसके जो है वो सिटीज है। तो जी वरनाई दारुस्तान आम छोड़ के आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं जी आगे हमारे पास है कम्बोडिया। इससे पहले मैं कम्बोडिया के ऊपर बात करूँ, इसके झंडे को जरा जूम इन करके देखिएगा, आपको क्या नजर आता है झंडे में? ऐसा नहीं लगता जैसे पाकिस्तान में सड़क के किनारे जो है वो बंदा बैठा होता है, या इंडिया में वो जो साधु किस्म के बैठे होते हैं वो दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि उसने ऐनक लगाई हुई है और हाथ में पकड़ के बैठा हुआ, ऐसा लगता है महसूस होता है कुछ? कम्बोडिया जो है वो इसके फ्लैग के अंदर कम से कम इस पिक्चर में तो ऐसा लग रहा होगा आपको, इसके अंदर क्या है कुछ ऐसा वैसा ही है। अच्छा जी, ये जो कम्बोडिया है ना, इसके झंडे के पीछे बड़ी मजे की स्टोरी है। अच्छा जी, कहानी का स्टार्ट होता है 1989 में। 1989 में जो है आपने देखा होगा, 1989 में क्या हुआ था वैसे, किया था जी रशिया जो है वो कब आया था अफगानिस्तान में? रशिया अफगानिस्तान में कब आया था? 1979 में आया था, ठीक है याद रखोगे। रशिया कब आया था? दिसंबर का महीना था, 1979 में आया था, 1989 में चला गया था, वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद चला गया था अफगानिस्तान से उसकी टूट गई थी। सो जी जब जो है वो रशिया वहां पे मसरूफ था, कम्बोडिया वालों ने कहा चलो यार एक काम करते हैं अपना झंडा ही बना लेते हैं और तो हमें कुछ नहीं करना। तो इन्होंने एक झंडा बनाया 1989 में, 1989 में, ठीक है। अब ये झंडा बनाने के बाद परेशान हो गया, अब झंडा जो है वो सही नहीं बना था, गलत बन गया था। हाँ ये हकीकत है, इन्होंने क्या किया 1989 में बनाने वाले झंडे को कहा यार ये तो सही नहीं है, 1993 के अंदर चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, इस झंडे की मंजूरी ली, जो दोबारा उसके अंदर चेंजेस की, और फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने कहा जी अब हमारे पास ये जो है वो सही वाला झंडा। जो मैं आपको कह रहा था ना जूम इन करके देखें, इसमें हो सकता है आपको कोई बंदा जो है वो नजर आए, जिसमें से एक पिक्चर बंदा बना रहा था, किसी ने बच्चे से कहा, बच्चा सामने बैठा हुआ था पिक्चर बनाने के लिए, बनवाने के लिए, उसने कहा यार ये कैमरे की तरफ गौर से देखो इसमें से कबूतर निकलेगा। उसने कहा अंकल ये फजूल बातें ना करें, मेरी पिक्चर हाई रेजोल्यूशन में बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि 48 मेगापिक्सल से बड़ा कैमरा है तो उसमें ले 16:9 की जो है वो उसमें आपने फ्रेम रखना है, और कोशिश करें कि पोर्ट्रेट मोड में हो लैंडस्केप में ना हो। तो उसने जिससे उसको परेशान कर दिया। तो हम भी इस झंडे को जब मैं कह रहा था कि गौर से देखेगा उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखाई देता, ये जो बेसिकली सिंबल है ना ये जाहिर करता है मोनार्की को, ठीक है, ये इनकी सल्तनत है, ये बताता है कि कम्बोडियन के अंदर मोनार्की थी, बादशाह जो है वो वाकई थे, ठीक है बादशाह थी इनके अंदर। जो ये रेड कलर है, जो सुर्ख रंग है, ये जाहिर करता है इंसाफ के लिए, ठीक है, ये जो सॉरी ब्रेवरी के लिए, ये बहादुरी के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर ब्लड का होता है ना, तो कम्बोडिया के झंडे में ये जो रेड कलर है ये ब्रेवरी के लिए, यार हम लोग बड़े बहादुर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी कलर है ब्लू कलर है वो आजादी के लिए है, कॉपरेशन के लिए है, बाकी चीजों के लिए जो है वो है, तो ये कलर जो है वो इस तरह से इसके झंडे की जो है वो स्पेसिफिकेशन है। नहीं मैं ऐसी बातें ना कहें, ब्लैक विगो ने आपको उठा के ले जाना है, तो फिर उन्होंने हमसे कहना है कि नहीं इनको कहीं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना है तो फिर आपकी जान छूटनी, तो बाज आ जाए ऐसे ना कहा करें। अच्छा जी कम्बोडिया जो है वो इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, जैसे मैंने बताया कि बादशाह थी, तो नाम है इसका जी किंगडम ऑफ कम्बोडिया। अच्छा इसके ना यहाँ पे ये इमारतें ही इमारतें हैं, जो मियाँ नवाशिर साहब है जिसमें से उन्होंने लंदन के अंदर एक फ्लैट लिया हुआ है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ जुनेद बेटे के लिए उन्होंने एक नया फ्लैट लेना है, प्लॉट लेना है, तो आप सब जो है वो उनसे वो मदद की अपील है, मियाँ साहब जल्दी जो है उनको नया टैक्स लगा के आपसे वो लेंगे। तो
ये है कि हमारे पास किंगडम ऑफ कंबोडिया, किंगडम का मतलब है मोनार्की की। अब किंगडम में बादशाह सलामत एक दिन जो है वो बैठे हुए हैं, बड़े सैड बैठे हुए हैं। उनको किसी ने कहा कि बादशाह सलामत परेशान ना हो, ये जो हमने झंडे के ऊपर दरमियान में ये बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की हुई है ना, ये ऐसे नहीं की हुई है, इसके पीछे एक वजह है। एक आपको मैं जो है एक एब्रा कैडब्रा बता रहा हूँ, एक मंत्र बता रहा हूँ, एक जादू बता रहा हूँ, वो है जी कोनम फेन। ठीक है, कोनम फेन जो है जब भी मुश्किल कोई पड़ेगी तो ये जो है वो आपने पढ़ लेना है, आपके सारे मिसाइल हल होगा। अब बादशाह को यही ना पता चले, बादशाह चौधरी शुजात हुसैन की तरह प्रोनाउंसिएशन उसकी ठीक थी, तो इसको फोन फिन करना है, क्या करना है क्या नहीं पढ़ना। तो खैर वो ट्राई करता रहा कंबोडिया के, यार मैं इसको कुछ पढ़ू। बाद में उन्होंने अपने कैपिटल का नाम रख दिया फोन फिन, फिर जाके उसको याद हुआ। अब फोन फिन के अंदर जो है वो एक दिन एक बड़ा अजीब वो गरीब सा चक्कर जो है वो होता है। फोन फिन के अंदर जो है वो बादशाह सलामत निकलते हैं, यहाँ से इसको पढ़ते हुए जाते हैं। इन्होंने हाथ में जो है, इनकी जेब में कंबोडियन रियाल थे, कुछ रियाल जो है वो ये निकले थे यहाँ से ना, तो वो लेके निकले थे। अब जब इन्होंने ये मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया फोनम फेन, तो इन्होंने देखा कि वो जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स में बदल चुके थे। बादशाह सलामत बड़े खुश हुए, इन्होंने जेब से एक ऐनक निकाली और ये अब जो है वो इन्होंने सोचा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने चलते हैं, तो वो देखा तो टोटल जो है वो 1953 डॉलर बन चुके थे। ठीक है, बादशाह सलामत तो इतने डॉलर देखे, रियाल कंबोडियन रियाल तो बड़े कम थे, तो डॉलर जो है वो देख के बड़े खुश हो गए, यार चलो बस ठीक है अब कुछ करते हैं। 1953 डॉलर का इन्होंने सोचा क्या करेंगे, इन्होंने भी 1,000 प्लॉट खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी भाईजान प्लॉट जो है वो अवेलेबल नहीं है, प्लॉट तो सारे के सारे पहले ले चुके हैं, लिहाजा अब आप वापिस चले जाए। तो कंबोडियन उन्होंने कहा यार देखो ये ऐसे ना करो, हमने तो अपने झंडे के ऊपर भी जो है वो बहुत बड़ा महल बना लिया है, तो यहाँ पे हमने एक नई सल्तनत बनाना चाहते हैं। खैर उनको जो है वो प्लॉट की अदायगी करने के बाद जो है वो 1953 जो है डॉलर पे किया और उनको एक प्लॉट मिल गया। इस प्लॉट का नंबर जो है वो इन्होंने कहा कि ये जो मोनम फेन है इसके मुताबिक, इस कोड के मुताबिक होना चाहिए 90, और इसमें जो है वो 70 जो है वो लोग रहेंगे। तो उन्होंने कहा चले जी बात ठीक हो गई, लेकिन एक शर्त जो है वो दरम्यान में आड़े आ गई। अब ये था एक कंट्री के साथ जो है वो कंबोडिया की बिल्कुल नहीं बनती थी। उन्होंने कहा ये वाला मुल्क हमारे पास होना भी नहीं चाहिए, उसका नाम है थाईलैंड। उन्होंने कहा जहाँ पे थाईलैंड आ जाता है वहां पे मस्ते मिसाइल हो जाते हैं। फिर थाईलैंड के लिए दो ममालिक रखवाए गए, लाओस है वियतनाम है, फिर दरमियान में थाईलैंड सब आए। तो जी हमारे पास तीन जो है वो LTV, यानी कि आपके पास जो है वो LTV पे आप देखेंगे, लाओस थाईलैंड और वियतनाम जो है वो हैं जी इसके बॉर्डर्स हैं, जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। LTV जो है आप वैसे लो ट्रांसमिशन व्हीकल भी आप इसे कह सकते हो, लो ट्रांसमिटर व्हीकल या लो ट्रांसमिशन व्हीकल कह सकते हो। इसके जो फीचर्स हैं जी वो है जी एंकोवर्ट, इसको देखिएगा ये क्या है, मीकॉन्ग रिवर बहुत दफा पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कंबोडिया के अंदर है। इसने जो है वो वॉर अपनी लड़ी थी, एक ही जंग लड़ी थी, सिविल वॉर थी, 1967 में लड़ी थी, और वो भी इसलिए कि इनका जो वो मंत्र था वो उल्टा हो गया था। फोनोफेन जो है 1967 में वो जंग शुरू होती है, 1975 तक चलती है, एशिया के अंदर जो है वो लोकेटेड है जी। कंबोडिया के बारे में फिर क्वेश्चन करें अब आपको, आंसर की डिटेल याद हो गई होंगी। अब मुझे बताएं जरा कंबोडिया के जो झंडा है उसमें रेड कलर किस चीज से इलाका था, वो क्या इंडिकेट कर रहा है रेड जो है वो? वेरी गुड, ब्रेवरी के इंडिकेट कर रहा है। उसकी जो बिल्डिंग है झंडे के ऊपर वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? नईम ने सबसे पहले आंसर किया, खालिदा ने दूसरे नंबर पे किया, हादिया ने बताया, वेरी गुड जी मुनाफ के नाम। अच्छा ये मुझे बताएं कि जो ब्लू कलर है ये किसके लिए जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ब्लू कलर वाला मतलब ये किसके लिए? लेकर रहेंगे आजादी, मिलकर रहेंगे आजादी, हकीकी आजादी, हकीकी आजादी की जंग के लिए उन्होंने जो ये झंडे जो काम किया। ठीक हो गया। अच्छा जी कैपिटल का क्या नाम है इसके, इसके कैपिटल का क्या नाम है? हकीकी आजादी कैपिटल का क्या नाम है जी, इसके कैपिटल का क्या नाम है? फोन फिन जो है वो। अच्छा जी कितने में इसकी करेंसी का क्या नाम है, करेंसी का क्या नाम है जी, कंबोडिया की करेंसी का क्या नाम है? रियाल और डॉलर है इसी करेंसी का नाम। अच्छा ये मुझे बताएं कि इन्होंने प्लॉट नंबर कौन सा इनको मिला था, यानी कि इनका टोटल एरिया वाइज नंबर क्या है, कंबोडिया का पूरी दुनिया में एरिया वाइज क्या नंबर है, कितने नंबर पे है?
और इसकी पॉपुलेशन वाइज नंबर कितना है वो? 70 नंबर। अच्छा ये मुझे बताएं कि इसका टोटल एरिया कितना है? 1953 में फ्रांस से इसने आजादी हासिल की थी, लेकिन कितना वो मैंने बताया था, 1,81,037 किलोमीटर है। बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है ये? बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? एलटीवी, एलटीवी, एलटीवी। अच्छा जी, ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाती है, तो क्विज में वैसे ले चुका हूँ कि फाइल अब जो है वो बड़ी आसान सी फाइल है, इंतहाई आसान है। चले क्विज में से भी अभी गुजरते हैं और देखते हैं कि किस किस को आता है। बहुत इजी क्विज है, इंतहाई है। अफगानिस्तान कहाँ पे है जी? क्विकली बताएंगे, लेट्स सी कि किस किस को पता चल जाए। अफगानिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है? किस कॉन्टिनेंट में है जी अफगानिस्तान? वेरी गुड जी, एशिया में है जी। अफगानिस्तान के कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम क्या है? आसान क्विज है। अफगान अफगानी करेंसी है इनकी, और मैंने बताया था। हाँ, अफगानिस्तान के अंदर कौन सी रेंज जो है वो पाई जाती है? माउंटेन रेंज कौन कौन सी है जी इसके अंदर? माउंटेन रेंज इसके अंदर कौन कौन सी है, अब पता चलेगा कौन कौन सी माउंटेन रेंज है जी इसके अंदर जो है वो। माउंटेन रेंज इसके अंदर कौन सी है? यहाँ से देख लें, अगर आप भूल गए हैं। इधर चला गया आपका अफगानिस्तान, ये जो है वो देख रहे हैं इसके अंदर जो माउंटेन रेंज है ना, किधर गई है, किधर गई, ये जो बता दो। अब देख रहे हैं इसमें, अब पता चल गया इसमें कौन सी हिंदू पेशन, ये बी ठीक होता है। 1919 में इसने इंडिपेंडेंस ली थी। बॉर्डर का भी आपको पता चल गया है। कौन सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के लिए नोटेबल है? वर्ल्ड वॉर 2, वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, या सोवियत अफगान वॉर? अरसान भाई को बताया, डी जी अरसान सबसे पहले बताया। अफगानिस्तान किस किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जी? किस किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? इनमें से बताएंगे, ए बी सी डी में बताएंगे। ए वाला जो है वो हमारे पास ठीक होगा। अर्मीनिया किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है जी? अर्मीनिया किस में लोकेटेड है? अर्मीनिया किस कॉन्टिनेंट में है जी? सी एशिया में। अर्मीनिया की करेंसी का क्या नाम है जी? अर्मीनिया की करेंसी का क्या नाम? ए अर्मीनियन दिरहम जो है वो इसका नाम। अच्छा ये बताएं कि मुझे कैपिटल ऑफ अर्मीनिया क्या है जी? अर्मीनिया का कैपिटल क्या है? ग्रेट हो गया जी, थैंक यू सो मच जी। वी आर डन विद टुडेज एक्टिविटी। हम दोबारा सुबह रन करेंगे और कल जो है वो इंशाल्लाह हम बाकी जो है वो कंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया और आपने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। इसी तरह से हम अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे। ऑन ए लाइटर नोट, इन चीजों को जो है वो आपके साथ फाइल शेयर की जाएगी। अभी के अभी इनको दोबारा से जो है वो ट्राई करें, लिखें, नोट्स बनाएं, एंड आई एम श्योर के जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तब कुछ पूरा होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन टुमारोस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।